हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है एंड प्लस बहुत बड़ा कंफ्यूजन भरा होने वाला है, लेकिन इसी कंफ्यूजन को आज हम लोगों को दूर करना है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है इसे समझना, लेकिन जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में विद एन एग्जाम्पल, विद सॉल्व एग्जाम्पल आज मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता कैसी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो दो चीजें होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो होता है प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड एक होता है एक्चुअल वैल्यूज। सी एक्चुअल वैल्यूज मतलब क्या, जो कि पहले से ट्रू है, ये एक्चुअलिटी है, ये रियलिटी है। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज मतलब हमने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए एंड ऑब्जर्वेशंस किए एंड उसके ऊपर हम लोगों का कुछ कहना है कि ये यस है या नो है। दैट मींस वी आर डूइंग प्रिडिक्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअलिटी। देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग एंड द रियलिटी। बराबर, तो यहां पे एक एग्जांपल ले लो कि एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास गया, बराबर, उसका चेकअप करवाने के लिए कि उसको कोई डिजीज है या नहीं, बराबर। तो एक्चुअल वैल्यूज ये है कि एक्चुअली उसको है या नहीं वो डिजीज, एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज कौन सी होगी कि उस डॉक्टर ने उसको बोला कि उसको डिजीज है या नहीं, ठीक है। अब ये जो चार चीजें, ये जो चार खाने हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात, डॉक्टर बोला कि तुम्हें वो डिजीज नहीं है, ओके, यू डोंट हैव दैट डिजीज। तो जैसे ही वो नो बोलता है तो यहां पे n आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव। ये TNFP क्या है, ये है ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर बोलता है नो, इस वाले सेल में नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव, कि उसने नहीं बोला ना, नहीं बोला मतलब नेगेटिव। अभी हम लोगों को सिर्फ चेक करना है कि ये जो उसका प्रेडिक्शन है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, उसका प्रेडिक्शन और उसकी एक्चुअल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेल क्या है। ये भी नो है, प्रिडिक्टेड भी नो है, इसका मतलब वो जो उस डॉक्टर ने चेकअप किया बिल्कुल सही किया, बिकॉज एक्चुअली उस पेशेंट को वो डिजीज नहीं थी और डॉक्टर भी बोल रहा है उसको वो डिजीज नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, समझ में आ गया। नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव था, बिकॉज वो कहता है डॉक्टर की तुम्हें नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव है। नीचे वाले सेल में भी देखोगे तो प्रिडिक्शन नो ही है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन यह फॉल्स क्यों आया, बिकॉज डॉक्टर ने बोला, प्रिडिक्शन किया कि नो है, इसलिए नेगेटिव आया। लेकिन एक्चुअल में इस पर्टिकुलर सेल में जो एक्चुअल वैल्यू है वो यस है, वो क्या है, यस है। तो उसका प्रिडिक्टेड वाला नो, इसका एक्चुअल वाला यस, फॉर दिस पर्टिकुलर सेल बोथ आर नॉट मैचिंग। यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है, बोथ आर नॉट मैचिंग, इसीलिए जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया। लेकिन ये नो तो पहले से ही था, बिकॉज उसका ये नेगेटिव तो पहले से था, बिकॉज उसका रिस्पांस था नो। उसी तरीके से जब उसका प्रिडिक्शन या फिर रिस्पांस पॉजिटिव होता है, यस होता है, यस होता है, तो उसके पूरे के पूरे कॉलम में आप पी पहले से लिख दो, क्या कर दो, पी पहले से लिख दो, बिकॉज जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है, तो पी पी पहले से लिख दो। जैसे कि नेगेटिव था, एन एन पहले से लिख दिया। अभी जस्ट डिपेंड करता है कि उसके पहले एफ लगेगा या टी, कैसे डिपेंड करता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर सेल एफ होगा या टी, ये हमें अभी डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें वो डिजीज है, यस, लेकिन एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर सेल अगर आप देखोगे तो एक्चुअल वैल्यू नो है। तो यस एंड नो बोथ आर नॉट मैचिंग, बोथ आर नॉट द सेम, देयरफॉर वैल्यू इज फॉल्स। दोनों के जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट है। एक्चुअलिटी कह रही है कि उसको नहीं है डिजीज, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि हाँ भाई उसको है डिजीज। तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। एंड पॉजिटिव क्यों, बिकॉज डॉक्टर का प्रिडिक्टेड जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव था, यस था। अब आते हैं इसके ऊपर, ट्रू पॉजिटिव के ऊपर। ट्रू पॉजिटिव क्या कहता है, पॉजिटिव कैसे लगा वो तो समझ में आ गया, क्योंकि यस रिस्पांस आया फ्रॉम द प्रिडिक्टेड साइड, इसलिए पहले से यहाँ पे पी लग गया, पॉजिटिव लग गया, ठीक है। अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उससे पहले पी से पहले ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो कैसे पता चलेगा, चेक कि इसने डॉक्टर ने भेजा कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए ये ट्रू है कि हाँ उसको डिजीज है, वो पर्टिकुलर डिजीज है, और इस पर्टिकुलर सेल के लिए ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या कहती है कि यस It is having the disease. तो जब yes और yes दोनों मिल जाते हैं, तो yes और yes दोनों मिल गए तो दोनों equivalent है, और जब predicted और actual same है, that means we can say भैया doctor सच कह रहा है, doctor true कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे true आ गया। तो अभी समझ में आ गया true negative, false negative, true positive, false positive and true positive, ये कैसे लिखा जाता है, आप समझ में आ गया आपके। एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो हम लोग इसे अभी फॉल्स पॉजिटिव समझ रहे थे ना, इसे हम लोग टाइप वन एरर भी कहते हैं, इसे हम टाइप वन एरर भी कहते हैं टू दिस पोर्शन, एंड जिसे हम फॉल्स नेगेटिव समझते हैं इसे हम टाइप टू एरर कहते हैं, समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप वन एरर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप टू एरर। तो अभी मैं एग्जांपल को डिफाइन करता हूं, उस एग्जांपल के ऊपर हम लोग एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन एंड रिकॉल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने
कितने सैंपल्स हैं हमारे पास, 165 सैंपल्स है बराबर। आउट ऑफ दोस 165 सैंपल जो मेरी एक्चुअल वैल्यूज है वो यहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब एक्चुअल में पेशेंट को डिजीज नहीं है वो 60 है। कितने हैं, कितने सैंपल्स हैं, 60 सैंपल्स हैं। एंड एक्चुअल में पेशेंट को डिजीज है उसके कितने सैंपल्स हैं, 105 सैंपल्स हैं। तो ये समझ में आ रहा ना, दीज आर द एक्चुअल सैंपल्स, ये जो है एक्चुअली नो है, एक्चुअली यस है, एंड ये क्या है, प्रिडिक्टेड नो है एंड ये प्रिडिक्टेड यस है। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो 165, इन दोनों का टोटल करोगे तो 165, और ये होना ही चाहिए, दिस शुड बी द रिजल्ट, कि जितना भी प्रिडिक्टेड का यस नो है कंबाइन करो आपका हमेशा टोटल आना चाहिए, एक्चुअल का यस नो कंबाइन करो आपका हमेशा टोटल आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेसी का सिंपल सा फंडा है, टीपी प्लस टीएन दोनों साइड में ट्रू होना चाहिए और पॉजिटिव नेगेटिव। क्या है इजी तरीका याद रखने का एक्यूरेसी का, दोनों तरफ एडिशन के ट्रू होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव ले लो एक तरफ नेगेटिव, सो ट्रू ट्रू, टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टोटल। व्हाट डू वी मीन बाय टोटल, ये टोटल टोटल कितने सैंपल्स कंसिडरेशन में लिए हैं, 165 लिए हैं, टीपी कितना है 100 है, टीपी कितना है 100 है, टीएन कितना है, कहां है टीएन, ये 50 है, तो 100 प्लस 50 150 डिवाइड बाय 165 एक्यूरेसी है 0.91। ठीक है, एरर रेट क्या है, एरर रेट को अगर आपको इजीली कैलकुलेट करना है टेक इट 1 माइनस एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी आई उसका 1 माइनस कर दो, या फिर यू कैन टेक टीएफ दैट इज एफपी प्लस एफएन दैट इज टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर डिवाइडेड बाय टोटल, टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर डिवाइडेड बाय टोटल, तो दैट इज नथिंग बट 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर टोटल दैट इज 165, यू गेट 0.09 as the error rate, ठीक है, for this particular example that I have framed, okay? Precision क्या होता है? Precision और recall को बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। Precision और recall दोनों के numerator में TP होगा, true positive. Recall and precision दोनों के numerator में true positive होगा, खाली denominator change होगा। In terms of precision, we are taking into consideration predicted yes, मतलब predicted yes 110. प्रिडिक्टेड का यस ले रहा हूं 110, तो वो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में 110, और रिकॉल में मैं लेता हूं एक्चुअल का यस 105 जो मैं रिकॉल में कंसीडर करता हूं, एंड ये उनके आउटपुट वैल्यूज आती हैं। बाकी टीपी तो दोनों में 100-100 है, लेकिन सिर्फ प्रिसीजन में प्रिडिक्टेड यस कंसीडर करता हूं और यहां पर रिकॉल में एक्चुअल यस कंसीडर करता हूं, एक्चुअल का यस की टोटल वैल्यू कितनी है वो कंसीडर करता हूं और वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो आई होप दोस्तों इस सॉल्व एग्जांपल के साथ कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा, ये किस तरीके से ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव किस तरीके से असाइन किए जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये इस सॉल्व एग्जांपल से ये चारों पैरामीटर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। इस वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद की होगी ना दोस्तों आपके एग्जाम में आपकी नॉलेज बढ़ाने में, तो दोस्तों थोड़ी सी मेरी भी मदद कर दीजिए, मेरे एफर्ट्स की थोड़ी सी एप्रिसिएशन के लिए वो तीन मैजिकल चीजें कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया होगा तो, चैनल का नाम है 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।